दोस्तों, दुनिया में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत खतरनाक पक्षी भी होते हैं और सबसे सुंदर दिखने वाले पक्षी भी होते हैं। इस धरती पर लगभग 10,000 प्रजातियां इस समय निवास करती हैं। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण पक्षी के बारे में बात करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी है। इनकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही आंखों से उजल हो जाते हैं। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, जो कि आपने शायद ही देखा हो, मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में मांसाहारी पक्षी गिद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरीग्रीन फाल्कन भी यह मिला है। पेरीग्रीन फाल्कन की उड़ने की रफ्तार अधिकतम 390 किलोमीटर होती है, जो कि सभी पक्षी में से सबसे तेज है। यह पक्षी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है। यह पक्षी मांसाहारी होते हैं। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उड़ान भरते हुए जीवित पक्षियों को ही पकड़कर खा जाता है। यह पक्षी चिड़ियों का शिकार करके जिंदा रहता है। यह पक्षी बहुत खतरनाक होता है। पेरेग्रिन ऊपर से शिकार करते हैं और अपने शिकार को देखने के बाद खड़ा गोता लगाकर उसका शिकार करते हैं। यह एक बड़ा कौवे के आकार का फाल्कन होता है। इसकी पीठ नीले भूरे रंग की है और अंडपट सफेद है। इसका सिर काले रंग का होता है। इसका शरीर की लंबाई 36 से 49 सेमी होती है। यह नर के मुकाबले मादा का शरीर आकार में ज्यादा बड़ा होता है। यह जन्म के साल भर के अंदर यह चिड़िया मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये पेरीग्रीन फाल्कन घोंसले बनाने के मौसम के आला वक्त में व्यापक रूप से यात्रा कर सकते हैं। यह सर्दियों में दक्षिण अमेरिका में घोंसला बनाने वाले प्रवासी पक्षी एक वर्ष में 15,500 मील की दूरी तक उड़ते हैं। इनके कई घोंसले सैकड़ों सालों तक उन्हीं के पीढ़ियों द्वारा हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। पेरेग्रीन बाज पक्षी पालने वालों के पसंदीदा पक्षी है। गोल्डन ईगल, यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गोल्डन ईगल ऑस्ट्रिया, मेक्सिको, जर्मनी और अल्बानिया में बहुत मशहूर है। सबसे बड़ी प्रजाति का ईगल गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल के पंखों का फैलाव 220 सेंटीमीटर जितना होता है। इस दौरान ये बाज हवा में 321 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं और शिकार करता है। गोल्डन ईगल ऐसी रफ्तार और तीक्ष्ण टैलन के सहारे खरगोश, मामोट्स और गिलहरी जैसे जीवों को आसानी से इनका शिकार करता है। गोल्डन ईगल बहुत खतरनाक वातावरण में रहता है। इसका रंग भूरा होता है और पंख हल्के सुनहरे रंग के होते हैं। ईगल बहुत बड़े घोंसले बनाते हैं, जिसमें कई सालों तक अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। मादा 1 से 4 तक अंडे देती हैं, जिसे मादा और नर साथ में बड़े करते हैं। अंडे सेने में 40 से 45 दिनों के वक्त लग जाता है। गोल्डन ईगल के 4 में से 2 बच्चे ही बड़े हो पाते हैं और जिंदा रहते हैं। दूसरे बच्चों को अन्य शिकारी पक्षी और बीमारियों के कारण मर जाते हैं। व्हाइट थ्रोटेड नीडल टेल, इस पक्षी को सफेद गले वाली सुई की पूंछ के नाम से भी जाना जाता है। यह 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं। यह चट्टानों या खोखले पेड़ों में चट्टान की दरारों में अपना घोंसला बनाते हैं। उन्हें जमीन पर बैठना और अपना ज्यादातर समय हवा में बिताना पसंद नहीं है। यह भरिंग, मक्खियों, मधुमक्खियों और पतंगों जैसे छोटे उड़ने वाले कीड़ों को खाते हैं। यह मध्य एशिया और दक्षिणी साइबेरिया में प्रजनन करता है और भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण में सर्दियों में रहता है। सफेद गले वाली सुई टेल एक मजबूत बैरल जैसे शरीर के साथ बड़े स्विफ्ट होते हैं। यह लगभग 20 सेमी के होते हैं और वजन 110 से 120 ग्राम के बीच होता है। वे एक सफेद गले और एक सफेद पैच को छोड़कर भूरे भूरे रंग के होते हैं, जो पूंछ के आधार से लेकर किनारों तक फैले होते हैं। ड्यूरेशियन हॉबी, यह एक कबूतर के आकार का एक छोटा शिकारी पक्षी होता है। यह पक्षी खुले में शिकार करते हैं। इनके शिकार करने का तरीका काफी रोचक होता है। यह उड़ते हुए तेजी से अपने शिकार पर हवा में ही वार कर देते हैं। ये मुख्यतः उड़ने वाले जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इनका मुख्य भोजन बड़े कीट जैसे टिड्डे, छोटे पक्षी स्काईलार्क, गौरैया, ड्रैगन फ्लाई, मार्टिन आदि होते हैं। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं। यह पक्षी ज्यादातर अकेले दिखाई देते हैं, लेकिन जिस जगह पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है, वहाँ एक छोटे समूह में दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में इसकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितनी संख्या है वो संतुलित है। इसका मुख्य कारण यह सिर्फ उड़ने वाले कीट व अन्य छोटे पक्षियों को खाते हैं। यह लंबी दूरी तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में अफ्रीका और एशिया में प्रवास करते हैं। यह स्लेट ग्रे रंग का होता है तथा इसके शरीर पर 2 छोटे काले मोस्टेचल पट्टियां होती है।
इस पक्षी में नर व मादा एक जैसे होते हैं, लेकिन आकार में मादा नर पक्षी से बड़ी होती है। नर पक्षी आसमान में उड़ते हुए मादा पक्षी को भोजन देता है। ये पक्षी आमतौर पर नया घोंसला नहीं बनाते। ये अन्य पक्षियों जैसे कोआ, हैरान व ड्रोगो आदि के बेकार पड़े घोंसलों को ठीक कर प्रयोग करते हैं। मादा 2 से 4 अंडे देती है। नर व मादा दोनों मिलकर चूजों को पालते हैं। इनके प्रजनन का समय लगभग बरसात का होता है। इस मौसम में ड्रैगन फ्लाई व अन्य कीट अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे इस दौरान ये आसानी से अपने चूजों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। फ्रिगेट बर्ड, यह पक्षी दक्षिण अटलांटिक में पाया जाने वाला पक्षी है। इस पक्षी का नाम फ्रिगेट बर्ड पक्षी है। इसकी खासियत यह है कि यह अपनी छाती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस पक्षी को देखते ही कोई भी इसकी तरफ सम्मोहित हो जाता है। इस पक्षी की छाती लाल रंग की है, जो बहुत ही सुहावनी और सुंदर लगती है। यह पक्षी देखने में इतना आकर्षक तो नहीं दिखता है, लेकिन इसकी छाती इसे आकर्षक बना देती है। यह ठीक वैसे ही अपनी छाती से लोगों को आकर्षित करता है, जैसे लोग एक दूसरे को करते हैं। इसकी उड़ने की रफ्तार 153 किलोमीटर होती है। इसमें बहुत लंबे और पतले पंख होते हैं, जिसकी अवधि लगभग 2 मीटर होती है। एक लंबी और गहरी कांटेदार पूंछ होती है। पक्षियों में एक नंगे चमड़ी वाली थैली होती है, जो आंगन में नर चमकदार लाल हो जाती है और फुला दी जाती है।